दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी X7 मैक्स के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक करना है तो कैसे करें। इसके लिए आपको वीडियो कम्प्लीट देखते रहना है, वीडियो आपको बीच में स्किप नहीं करना है ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो इसके लिए वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। और कई बार आपको ज़रूरत है जैसे आपके फ़ोन में बहुत सारे गेम होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं जिन पर आपको लॉक लगा के रखना होता है, तो इसी के लिए आज आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे अपने एप्लीकेशन को लॉक करें। तो चलिए आपको सबसे पहले ऐप लॉक करने के लिए सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है ऐप लॉक, ऐप लॉक पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना कोई पासवर्ड डाल देंगे, एंटर पासवर्ड, इस पर अपना कोई पैटर्न हम डाल देते हैं। जैसे ही हमने ये पैटर्न डाल दिया, पैटर्न डालने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। इसमें आपको 5 एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलते हैं जो भी आप अपने चाहें तो इन्हें लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप जो आपको सब किसी को लॉक करना रखता है, फोटोज़ है, मैसेज है, डायल पैड को हम एक बार की छोड़ देते हैं। यहाँ से हम एक आधा एप्लीकेशन ऑल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम अपना यूट्यूब ले लेते हैं। एक यहाँ से यहाँ हमने अपना यूट्यूब सेलेक्ट कर दिया है। यूट्यूब के बाद एक और अपने एप्लीकेशन ऑल ले लेते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से आपको जैसे हमने कोई भी एक अपना एप्लीकेशन ले लेते हैं, यहाँ से इंस्टाग्राम ले लिया हमने, 5 एप्लीकेशन हो गए जो कि हमने लॉक किए हैं। सिंपली लॉक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है यूज़ ए फिंगरप्रिंट, आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करना है ऐप अनलॉक के लिए, जो कि हमें नहीं करना है, इसे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन आपने लॉक किए हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है शो लॉक्ड ओनली, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। राइट साइड में आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं चेंज पासवर्ड, जो आपकी पासवर्ड के आपने यहाँ से चेंज प्राइवेसी पासवर्ड एंड सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब हम आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन लॉक किए हैं वो हमारे लॉक हुए हैं नहीं हुए हैं। सिंपली जैसे हम यहाँ से लॉक आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी गैलरी लॉक की थी, गैलरी पर हमारी पर लॉक लग चुका है। उसके बाद हम आपको चेक करा देते हैं हमारा व्हाट्सएप पर भी हमने लॉक लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे अपने पैटर्न डालेंगे और आपका व्हाट्सएप अनलॉक हो जाता है। ये प्राइवेसी अनलॉक आ रहा है जो कि मैंने अभी कंटिन्यू नहीं किया है। इसके बाद अगर आपको इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है हमें अपने एप्लीकेशन जो लॉक किए हैं वो हमें अनलॉक करने हैं तो क्या कैसा करना है, आपको अपने एप्लीकेशन अनलॉक करने के लिए फिर से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर से प्राइवेसी में चले जाना है। अपनी प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ऐप लॉक पर क्लिक कर लेना है। ऐप लॉक पर क्लिक कर लेना है और अपना पैटर्न डाल देना है, आपने जो यहाँ से डाला था। पैटर्न डालने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है शो लॉक्ड ओनली, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने जो भी एप्लीकेशन लॉक किए थे वो सारे आपके यहाँ शो हो रहे हैं। अब यहाँ से आपने इस प्रकार पर क्लिक करेंगे, इस पर ऑफ कर देंगे। यहाँ से एक एक करके आप सारे एप्लीकेशन को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे सारे एप्लीकेशन अनलॉक हो चुके हैं ये। और हम आपको चेक कराने वाले हैं जो एप्लीकेशन हमने सारे अनलॉक कर दिए, किसी पर आपको किसी प्रकार का लॉक देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप हमारा डायरेक्ट ओपन हो रहा है। एक हमारा मैसेज भी था, देखो मैसेज भी डायरेक्ट ओपन हो रहा है। एक हमारी गैलरी थी, गैलरी भी आप देख सकते हैं हमारी डायरेक्ट ओपन हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड।